टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में हो रहे बीजेपी मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नियमों की उल्लंघन के मामले में 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई। वहीं इस जन आशीर्वाद यात्रा में मालेगांव से आया हुआ चोरों का एक गैंग भी सक्रिय हो गया था, जो भीड़ का फायदा उठाकर अपना हाथ साफ कर रहा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जहां कोरोना नियमों की वजह से लोकल ट्रेनों में यात्रा को लेकर लगभग हर जगह पर कोरोना नियमों की पाबंदी लगाई गई है, इसके बावजूद भी बीजेपी के मंत्री मुंबई और ठाणे के अन्य इलाकों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर इस आशीर्वाद यात्रा में मास्क नहीं था, एक दूसरे से ये लोग दूरियां नहीं बनाए थे और खुलेआम इस जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। और इस तरह से भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा पर पक्ष विपक्ष की राजनीति भी तेज हो गई और पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक मुंबई के कई अन्य अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 7 लोगों पर, जो जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजक हैं, उन पर FIR दर्ज किया गया है। वहीं इस जन आशीर्वाद यात्रा में मालेगांव से आया हुआ चोरों का एक गैंग भी सक्रिय था, जो ठाणे क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम है अबू बकर उस्मान अंसारी 35 साल, नादिर अंसारी 30 साल, अतीक अहमद 51 साल और अशफाक अहमद अंसारी 38 साल। ये चारों ठाणे से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ का हिस्सा बन गए और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस में इसकी शिकायत जब मिली तो पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और CCTV फुटेज के आधार पर इन चारों आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से 1,19,000 रुपये नगद और 10 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है और जिस गाड़ी से ये चारों आरोपी आए थे, पुलिस ने वो गाड़ी भी जब्त कर ली। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।